an inner journey of self-empowerment. आत्म सशक्त होना जरूरी है इस आंतरिक जगत की यात्रा की ओर. इस बाह्य जगत में भी अधिक यात्रा वही कर सकता है जो शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और भी कई क्षेत्र से जो सक्षम होता है. तनाव का एक बहुत ही प्रबल कारण है और वो ये है कि अधिकांश समय व्यक्ति बाह्य जगत में जीता है और इस बाह्य जगत में जहां कि हम देखते हैं बहुत सारी हलचल की बातें हैं, हर सेकंड परिवर्तन होता है. जीवन का बचपन से लेकर आज तक का कोई भी सेकंड, कोई भी दिन, कोई भी घंटा एक जैसा नहीं रहा. परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन फिर भी आज के संसार में अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता कि अचानक कुछ भी हो सकता है. ऐसी कुछ न्यूज की बातें, ऐसी कुछ अचानक हो जा सकती है घटनाएं, ऐसा सोच मनुष्य को बहुत अधिक तनाव में लाता है, बहुत अधिक डिप्रेशन की ओर ले जाता है या नकारात्मक सोच में समय बीत जाता है. और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हम आंतरिक जगत को भूल चुके हैं, जिस जगत में बहुत ही शांति, बहुत ही शक्तिशाली वातावरण, बहुत ही पवित्रता है. तो इस आंतरिक जगत की यात्रा का नाम ही राजयोग मेडिटेशन है. और उसके लिए जरूरी है नो योर सेल्फ, डिस्कवर योर सेल्फ, पॉजिटिव सेल्फ. मैं शब्द हम सभी के लिए कोई नया नहीं है, सवेरे से लेकर रात तक हम सभी बहुत बार उपयोग में लाते हैं. लेकिन मैं शब्द का अर्थ क्या है, मैं कौन हूं, इसकी सही जानकारी न होने के कारण निगेटिव मैं को हम अधिक याद करते हैं, यूज करते हैं और इससे ही हमारी आंतरिक शक्तियों का क्षय दिनों दिन होता जा रहा है. इसलिए जानना जरूरी है हमारा पॉजिटिव मैं क्या है. और जिस पॉजिटिव मैं को जान लेने के बाद हमारे अंदर विकसित होता है सेल्फ रिस्पेक्ट. तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा दूसरों से रिस्पेक्ट नहीं मिलता. परंतु अगर दूसरों से रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, हम उस पर डिपेंड करेंगे अपनी खुशी के लिए दूसरों पर, तो कब तक. हर एक व्यक्ति की सोच अपनी है, हर एक व्यक्ति का नजरिया अपना है. परंतु राजयोग मेडिटेशन हमें सिखलाता है कि आप अपने आप को रिस्पेक्ट देना सीख लो. और अपने आप को रिस्पेक्ट देने का मतलब अपने आप को सही रूप से जानो, अपने अंदर छुपे हुए वैल्यूज, अपने अंदर छिपी हुई विशेषताओं को, जिन विशेषताओं को देखकर ईश्वर पिता ने हमें नीचे भेजा है, उसे जानो, उसे वैल्यू दो. उन आंतरिक वैल्यूज को वैल्यू देने पर हमारा जीवन मूल्यवान बनता है, सशक्त बनता है. जिस तरह से हम देखते हैं बर्फ के टुकड़े को अगर हम पानी में डालते हैं, हम सभी जानते हैं बर्फ के टुकड़े को पानी में डालते हैं, थर्मोकोल की अलग बात है, लेकिन बर्फ का टुकड़ा 90% पानी की सतह के अंदर चला जाता है, केवल 10% पार्ट उसका बसता है ऊपर में. ठीक उसी प्रकार डॉक्टर गिरीश भाई ने भी बताया कि मनुष्य भी अपने मस्तिष्क का बहुत कम परसेंट ही उसकी शक्ति का उपयोग करता है. और आज भी हम मानव के जीवन में, चाहे वह स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो जिसके लिए कह सकते हैं कि 90% डिजीज साइकोसोमेटिक है, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे व्यापार की समस्या हो, चाहे स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई से संबंधित समस्या हो, तनाव हो, किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे संबंध का हो,
लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कारण है और वो ये है कि हम अपने आप को भी मुश्किल से 5-6% ही जानते हैं और इसलिए अपने आप को भी हम सही ढंग से ट्रीट नहीं कर पाते और दूसरों को भी हम उतना परसेंट ही जान पाते हैं, तो दूसरों को भी हम सही ढंग से उनसे संबंध नहीं निभा पाते और इसलिए आध्यात्मिकता हमें और दूसरों को भी अच्छी तरह से जानने में मदद करती है। सोचे अपने आप को, आखिर हम इस संसार में क्यों हैं और खास इस ऑडिटोरियम में क्यों? जो कुछ पहले से सोचते आए, जो कुछ पहले से बोलते आए, जो कुछ पहले से करते आए, केवल उसी तरीके से आगे के जीवन को जीने के लिए नहीं, लेकिन हम सभी को सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम भी आपसे कुछ शेयर करेंगे, आप भी हमसे कुछ शेयर करेंगे, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ अपने आप का विकास करने के लिए, और उसके लिए जरूरी है हम अपने आप में कुछ चेंज लाए, कुछ सोचने के तरीके में, कुछ बोलने और करने के तरीके में, और साथ साथ आदान प्रदान करने के लिए। हम अपने अच्छे अनुभव को एक दूसरे से आदान प्रदान करने के लिए इस संसार में भी और इस ऑडिटोरियम में भी है, अन्यथा हमारा जीवन ऐसा ही है, हम ढो रहे हैं बोझ को आपसी संबंधों को और अपनी जिम्मेवारियों को। महसूस होता है क्या करें, आखिर संबंध है ना, निभाना पड़ रहा है, जिम्मेवारी है ना, लेकिन ये संबंध और जिम्मेवारी के बोझ को निभाते व्यक्ति के जीवन से खुशियां दिनों दिन दूर होती जा रही है। जो खुशी मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ा खजाना है, तो आइए आध्यात्मिक तौर पर हम अपने अंदर जागृति लाएं। क्या है यह आध्यात्मिक जागृति? अपने आप को नहीं जानना वास्तव में उसी तरह से है कि हमारा अटैचमेंट हमारे रॉन्ग इमेज से है, जो हम नहीं है उसको हमने मैं हूं ऐसा समझ लिया। जैसे आई हैव ए जॉब, ठीक है मुझे नौकरी है, लेकिन मैं नौकरी नहीं हूं। मेरा इंजीनियर का एक पेशा है, लेकिन क्या मैं सही रूप से इंजीनियर हूं? मैं बचपन में भी था, मैं शब्द कहने वाला, मैं डॉक्टर बचपन में भी था, मैं शब्द कहने वाला तो बचपन में भी था, मैं स्टूडेंट बचपन में भी मैं हूं, लेकिन उस समय मैं एक स्टूडेंट नहीं था। थोड़े समय के बाद मैं एक स्टूडेंट, थोड़े समय के बाद मैं कॉलेज के स्टूडेंट, फिर थोड़े समय के बाद मैं फलाने पद पर, परंतु रिटायरमेंट के बाद भी मैं कहने वाली सत्ता तो है ना, आज भी है, तो फिर क्या कहते हैं, आई एम एक्स इंजीनियर। मैं तो अभी भी हूं, लेकिन अपने पेशे को जिसे मैं कहता था अभी हम कह रहे हैं पूर्व, तो वास्तव में आई हैव रिलेशनशिप बट संबंधों से अलग मैं हूं, आई हैव पोजीशंस, बहुत कुछ है मेरे पास लेकिन मैं उससे अलग हूं, आई हैव ए बॉडी बट आध्यात्मिकता हमें ये सिखलाती है, ये जानकारी देती है, मैं बॉडी नहीं, मैं शरीर नहीं। शरीर की एक लिमिटेशंस होती है, 5 तत्व का बना हुआ यह शरीर है, कभी छोटा था, धीरे धीरे किशोर अवस्था, युवा अवस्था, और आगे चल के कभी 5 तत्व का शरीर 5 तत्व में खत्म हो जाएगा, मिल जाएगा। परंतु मस्तिष्क अनुसंधान करने वाले बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस बात को स्वीकार किया है कि एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी चेतना है जिसमें, जिसे सोल कहें, स्पिरिट कहे, आत्मा कहे, एनर्जी कहे, या इनर सेल्फ कहे, और वो शक्ति, वो चेतना जो मेटाफिजिकल है, भौतिक नहीं है, और वो शक्ति जो एक शरीर के बाद दूसरा शरीर भी लेती है और अपने पिछले अनुभव को भी शेयर करती है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिबर्थ पर भी रिसर्च किया है, रिबर्थ की बात अभी हम ज्यादा नहीं चला रहे हैं, हमारे आगे के कोर्स में हो सकती हो बातें, लेकिन आज सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हमारे कंप्लीट पर्सनालिटी के 2 हिस्से हैं, एक है एक्वायर्ड सेल्फ, एक है एक्वायर्ड सेल्फ
जिसे हमने संसार में प्राप्त किया है। आए हैं संसार में, ये शरीर भी लेके नहीं आए थे, ये संसार में है। तो हमने अपने शरीर को प्राप्त किया, हमारा रोल फिक्स हुआ। इस परिवार में मेरा क्या रोल है, बड़े बेटे का, छोटी बेटी का, भाई का, चाचा का, जो भी रोल है, वो सब रोल फिक्स हुआ। संबंध फिक्स हुए, जॉब मिला, पहले से लेके नहीं आए थे, पोजीशंस, अचीवमेंट्स, बिलीफ, ईगो एक्सेट्रा, ये सब कुछ हमने इस संसार में प्राप्त किया है, लेके नहीं आए थे। और जब ये शरीर छूटता है तो सब कुछ यही रह जाता, कुछ साथ नहीं जाता। तो ये है हमारा वो परिचय जिसे हमने संसार में प्राप्त किया है। जो हम आप सभी कभी कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो लिखते हैं नाम क्या है, एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, हमारी जाति धर्म आदि क्या है। इस हिसाब से ये यूनिक है बात इस संसार की। ये सत्य है कि हम आप सभी का परिचय एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। एक्वायर्ड सेल्फ के हिसाब से हम आप सभी का परिचय एक दूसरे से भिन्न है। 100% नहीं मिल सकता, ये संसार की बहुत बड़ी विभिन्नता है। लेकिन सिखाता है हमें आध्यात्मिकता, हमें ये सिखलाती है राजयोग, मेडिटेशन हमें ये सिखलाता है, अलग अलग है रंग फूल के, माटी सबकी एक है, माला कोई बनाए लेकिन माली सबका एक है। तो इस विभिन्नता के होते हुए भी हम विश्व बंधुत्व भाईचारे की भावना को तभी कायम रख पाते जब कि इनर सेल्फ की ओर आते हैं। और हमारा इनर सेल्फ है जो हमारे इस भौतिक शरीर को चलाने वाली शक्ति, वो है एनर्जी, पावर, माइंड, इंटेलेक्ट, एसेंस, वैल्यूज, सोल, जैसे जो कुछ भी कहें। कोई कहते ये शक्ति शरीर को चला रही है, कोई कहते आत्मा चला रही है, वो वास्तव में बड़ी सूक्ष्म है। एक आप थोड़े समय के लिए सोच कर देखें, बड़ी सूक्ष्म हो सकती है परंतु है तो बहुत सूक्ष्म, जिसे वैज्ञानिक उसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, लेकिन है इतनी शक्तिशाली। जो शरीर को तो क्या, एक इंडस्ट्री को तो क्या, एक देश को तो क्या, सारे विश्व को भी चलाती है जितने जितने अपने वैल्यूज को डेवलप करते हैं। वो शक्ति एक चमकते हुए सितारे के समान है, आकाश में सितारा हम सभी ने देखा है, उस चैतन्य चमकते हुए सितारे के समान उसका रूप है या प्रकाश बिंदु है। और वो हम हैं, वो आप सभी हैं। उस शक्ति का इस शरीर में स्थान है जिसे हम कहते हैं भ्रिकुटी या आज्ञा चक्र कहते हैं, जहां टीका या बिंदी लगाई जाती है। शरीर में आत्मा कहीं भी रह सकती है, लेकिन ये ब्रेन जो सारे शरीर का कंट्रोल रूम है और उसकी ड्राइवर, उसको उसकी कंट्रोलर, आत्मा का निवास स्थान यहां है। क्योंकि ब्रेन के चारों तरफ देखने सुनने सब कुछ साधन मौजूद है, और इसलिए हम कह सकते, आप सोच सकते हैं, मैं एक चैतन्य शक्ति हूं। जो चैतन्य शक्ति इन सेंस ऑर्गन्स को चलाने वाली हूं, कमांडर हूं, यह हाथ अपने आप नहीं चल रहा है, ये मुख अपने आप नहीं चल रहा है, ये ब्रेन अपने आप नहीं, ब्रेन के भी हम ऑपरेटर है। मैं चेतना, ब्रेन की ऑपरेटर, हाथ को भी चलाने वाली, मुख के भी, सब कुछ के सेंस ऑर्गन्स के मैं ऑपरेटर हूं, कमांडर हूं। लेकिन जब ड्राइवर बहुत दिन तक गाड़ी नहीं चलाता है, किसी एक दिन बैठ गया तो उसको भूल जाए बाई चांस कि मैं आज ड्राइव कर रहा हूं, तो बातचीत में क्या होगा, हाथ पैर उसके आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, कभी किसी समय में स्टेरिंग छूट सकते हैं। आज संसार में कई बार मनुष्य इसलिए टेंशन में होता है कि सामने वाले को जो मैंने कहा था वो उसने नहीं किया। लेकिन बहुत बार हम अपने आप को भी ऑर्डर करते हैं, मुझे ये नहीं करना है, ये करना है, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, चाहता तो नहीं था लेकिन पता नहीं मेरे से ऐसा क्यों हो गया, या मैं चाहता तो था लेकिन पता नहीं मेरे से ऐसा क्यों नहीं हुआ। कारण हम भूल गए हैं अपने इस रियल सेल्फ को। मेडिटेशन का एक ये मेडिटेशन शब्द लैटिन शब्द से आया है, मेडिटेशन शब्द से, और जिसका अर्थ होता है अपने आप को हिल करना। कहां हिल करना, सबसे अधिक शरीर से भी ज्यादा मन डैमेज है। और मन वास्तव में क्या है,
हमारी सूक्ष्म तीन फैकल्टी का नाम है मन, बुद्धि और संस्कार, माइंड इंटेलेक्ट एंड पर्सनालिटी ट्रेट। तीन सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा ही हम इस शरीर को कंट्रोल करते हैं। माइंड जिसे हम कह सकते हैं थिंकिंग फैकल्टी है हमारी, हम जो कुछ भी इच्छा करते हैं सोचते हैं मन के द्वारा। और दूसरी शक्ति है बुद्धि, जिसके द्वारा निर्णय करते हैं, तर्क देते हैं, पहचानते हैं। यह हमारी दूसरी फैकल्टी, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट। मन कितनी वंडरफुल चीज हमें मिली है। सवेरे हम आंखें खोलते हैं तब से लेकर रात को गहरी नींद में सोने तक हमारा मन, यानी मन के द्वारा हम कुछ न कुछ सोच रहे होते हैं, चाहे काम से या बिना काम से, चाहे अच्छा चाहे बुरा, चाहे पास्ट का चाहे फ्यूचर का चाहे प्रेजेंट का। यह ऑटोमेटिक चक्की के रूप में हमें मिला है मन, थकता नहीं है कभी। कोई टॉपिक देंगे तो उसका आउटपुट बहुत अच्छा निकलेगा, लेकिन कोई टॉपिक नहीं देंगे तो मन सोचेगा जरूर अनावश्यक बातें, अनावश्यक माना जो काम की नहीं है, अनावश्यक माना जो हमारे कंट्रोल की नहीं है। दूसरों को मैं चेंज करके छोड़ूंगा, ये मेरे कंट्रोल की चीज है नहीं, लेकिन मैं किसी भी हालत में उसे चेंज करके छोड़ूंगा। और दूसरों को चेंज करने के लिए प्रयास करते करते व्यक्ति खुद में निगेटिव चेंज ले आते हैं। एक बार की बात है, मैं कई बार एग्जाम्पल कई भाई बहनों को भी सुना देती हूँ। मैं बस में एक बार जा रही थी, बस में आगे की कैबिन में जगह मिली, पूरे रात के सफर करना था। ड्राइवर ने अचानक किसी बात पर कंडक्टर को दो गाली देते हुए कुछ डायरेक्शन दिया, तो साधारण सी बात थी, लोगों को आदत होती है बिना कोई कारण में गाली वाले शब्द ऐड करके बोलते हैं। हमारी तो सभी के प्रति भाई बहनों की जैसी भावना होती है। हमने बेहिचक ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर साहब ये बात तो आप बिना किसी गाली दिए भी बोल सकते थे। वो बेचारे जेब के जोर से उन्होंने कहा, क्या करें समझ में नहीं आता है, सुधरता ही नहीं है। मैंने कहा कितने साल से आपके पास रहता है? 12 साल से। मैंने कहा शुरू से ऐसे करता है कि बाद में बिगड़ा है? बोले नहीं, शुरू से ही ऐसा करता है। मैंने कहा शुरू से आपने प्रयास किया था इसे सुधारने का? बोला हाँ शुरू से ही प्रयास किया, रिजल्ट क्या हो गई? वो तो नहीं सुधरा, लेकिन आपकी हैबिट वैसा बोलने की बन गई ना। तो यही है हमारी मन की शक्ति, जैसे हम टॉपिक देते हैं तो उसका आउटपुट हमें बहुत अच्छा मिलता है। यही चिंतन की शक्ति के बदौलत ही जो कुछ भी हमारी आंखों से दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो इस बिल्डिंग का नक्शा हो, चाहे शहर का नक्शा हो, चाहे इतनी बड़ी टाटा स्टील प्लांट हो, चाहे इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो, चाहे इतना बड़ा देश भारत हो, या कुछ भी हो, नेगेटिव या पॉजिटिव संसार में जो कुछ दिखाई देता है सोच के बदौलत। लेकिन सोचते हैं मन के द्वारा और निर्णय करते हैं, परखते हैं, पहचानते हैं बुद्धि के द्वारा। इसलिए बुद्धि भी हमारी बहुत बड़ी शक्ति है, भगवान के द्वारा मिली है हमारे में ये शक्ति भी। लेकिन उस शक्ति की जो गरिमा है उसको हम बनाए रखते हैं तब, जब इस बुद्धि रूपी शक्ति को चार बातों से बचाते हैं। और एक है हमारी बुद्धि प्रभावित हो जाती है साइकोलॉजिकल लिमिट से। हम भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, तो हमने एक लिमिट बना ली, मैं तो बच्चा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, अरे मैं तो रिटायर हो गया ना, अब मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूं, मैं तो विकलांग हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूं, मैं तो कई बार फेल हो गया था, अब तो मैं कर ही नहीं सकता हूं, अरे मुझे तो कई लोगों ने कह दिया तुम कोई काम के नहीं हो, इससे मैं कोई काम का ही नहीं हूं, अरे सुबह सुबह मुहूर्त खराब कर दिया, ज्योतिष ने भी मेरा हाथ देख के कह दिया था। तो ये सारी बातें हम अपने आगे चारों तरफ लिमिट्स बना लेते तो हमें लगता हम तो कुछ नहीं कर सकते संसार में, लेकिन नहीं। ये है अपने आप को शरीर समझने से, लिमिटेड कॉन्शियसनेस में आने से। लेकिन मेडिटेशन हमें सिखाता है आप अपने आंतरिक मैं को याद करो। बुद्धि दूसरी शक्ति, दूसरी बात से जो प्रभावित होती है साइकोलॉजिकल पोजिशनिंग। हम क्या सोचते हैं, आधा ग्लास पानी आधा ग्लास खाली, क्या सोच रहे हैं? हमने आधा ग्लास खाली देखा, पॉजिटिव सोचा या निगेटिव सोचा?
सब नहीं मान रहे, फिर कभी गिरीश भाई नहीं इसलिए सब बोल नहीं रहे हैं। आधा ग्लास खाली देखा तो निगेटिव सोचा या पॉजिटिव सोचा? वाह वाह, किसने बताया कि निगेटिव सोचा? क्योंकि लोगों ने ऐसा ही बताया है शायद। कुछ नया सोचना है ना जीवन में। सफलता का मतलब जो करते आए वो नहीं, कुछ नवीनता। खैर इस बात को हम ज्यादा भी नहीं ले रहे हैं, एक बात सिर्फ याद कीजिए, खाली देखा या भर तो देखा, दोनों में निगेटिव हो सकता है। अगर हमने किसी को भरे हुए ग्लास देखा, आधा ग्लास भरा हुआ देखा और हम सोचते इसका पास तो पहले से ही है, मेरे को इसको सहयोग देने की कोई जरूरत नहीं है, इसका तो लूट लेना चाहिए, निगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ? देखा ना मैंने आधा ग्लास भरा हुआ। उसके बदले अगर अगर खाली को भी देखा लेकिन हम सोचते हैं कि खाली है इसको मैं भर दूं, अब ये पॉजिटिव हुआ या निगेटिव हुआ? तो जो हमारा नजरिया है वो भी हमारे सामने लिमिट्स को बांधता है, लिमिट्स में हमारी बुद्धि को प्रभावित करता है। फिर है एजम्पशन, हम पूर्वानुमान से ग्रसित होते हैं, क्योंकि आए दिन जो टेलीविजन पर हम न्यूज देखते हैं, सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं, अधिकतर बातें उसमें निगेटिव होती है। निगेटिव इंफॉर्मेशन लेते लेते यहाँ स्टॉक जमा हो जाता है और हमारी निर्णय शक्ति प्रभावित हो जाती है उससे, तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती। और चौथा है एसोसिएट मेमोरीज। संसार में मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए दो शक्ति की आवश्यकता होती है, और वो पहली शक्ति है याद रखने की और दूसरी शक्ति है भूलने की। वो हम सभी के पास है, कोई नहीं कह सकता मेरी याददाश्त कमजोर है, शायद आज की बात भूल जाए, लेकिन पिछले 25 साल पहले की बात तो याद है ना, है ना याद? तो उसे ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी मेमोरी कम है, लेकिन सिर्फ हमने दिमाग में स्थान फ्री नहीं छोड़ा है, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं कुछ ना कुछ, रोज डिलीट करने की आवश्यकता है। हम पिछले निगेटिव बातों को ऐड करते जा रहे हैं, तो कुछ भी घटना या कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आता है, निगेटिव तुरंत हमारे थॉट्स उठते हैं, निगेटिव एक्शन होते हैं। खैर मन बुद्धि दोनों के सहयोग से जो हम एक्शन में आते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, पहली बार मेहनत लगती है अच्छे कार्य करने में भी और बुरे में भी, लेकिन धीरे धीरे पहली बार दूसरी बार तीसरी बार करते करते वो कर्म बनता है, कर्म से हैबिट बनती है और हैबिट ही और पुरानी संस्कार बन जाती है। इस प्रकार हमारा आंतरिक व्यक्तित्व बनता है और आंतरिक व्यक्तित्व से ही हमारे बाह्य व्यक्तित्व को हम गवर्न करते हैं। जो हमारे आंतरिक व्यक्तित्व है उसी अनुसार कार्य करते रिलेशन बनता है, हमारा कार्य परफॉर्म होता है, इस प्रकार से हमारा आंतरिक व्यक्तित्व। आध्यात्मिकता एक मैसेज देती है, राजयोग मेडिटेशन ये अनुभव कराता है यू आर यूनिक। हम अपने आप की तुलना दूसरे से नहीं करें, हम अपने आप की तुलना दूसरे से नहीं करें। बहुत लोग निराश होते हैं, तनाव में आते हैं इसलिए कि अपनी तुलना जिंदगी भर दूसरों से करते हैं, उसके जैसा तो मेरे पास है ही नहीं, उसके जैसी चीजें मेरे पास नहीं, उसके जैसी क्वालिटी मेरे पास नहीं, उसके जैसी विशेषता मेरे पास नहीं, उसके जैसा सम्मान मुझे नहीं मिला। लेकिन आप यूनिक है और आप वंडरफुल है। इसी तरह के वर्कशॉप के दौरान पहले भी कोई भाई बहनों ने सुना भी होगा एग्जाम्पल, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार ऐसे एक वर्कशॉप हो रही थी तो यूथ भाइयों का ग्रुप था और मैंने उनसे पूछा कि आप सभी से सिर्फ परिचय चाहिए मुझे, और उस परिचय में दो बातें जरूर बताएंगे, आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं। तो इतना जब मैंने कहा तो एक साइड में एक भाई खड़े थे और वो पीछे हट गए मुझे देखते ही, तो मैंने चेहरे पर ध्यान दिया कि ये बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इधर से स्टार्ट किया पूछना और लास्ट में उस भाई तक जाकर मैंने पूछा आपका नाम, नाम बताकर फिर चेहरा सिकुड़ गया पीछे की ओर। मैंने कहा आप क्या करते हैं? तो मैं कुछ करता नहीं हूं। मैंने कहा भविष्य में कुछ क्या करने की योजना है? नहीं अभी कुछ करने की योजना नहीं है। आप पढ़ाई करते हैं? नहीं मैं पढ़ाई नहीं करता हूं। तो मैंने कहा फिर भविष्य में क्या करना है, कुछ प्लान है? कुछ प्लान नहीं है। तो आप समय कैसे बिताते हैं? मैं कुछ नहीं करता हूं, कभी 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 मैं लंबे लंबे पत्र लिखता हूं अपने दोस्तों को। मैंने कहा लंबे पत्र मतलब? बड़ा हाँ कभी कभी 40-45 पेज का भी पत्र हुआ है।
आप सभी को भी लंबे सांस आने लगे 40-45 पेज का आज फैक्स और ईमेल के जमाने में। मैंने कहा उस पत्र में लिखते क्या है और आपका अपने प्रति ऐसा जो ओपिनियन है वो क्यों है कि मैं कुछ नहीं करता हूं और कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा बचपन में मेरे बहुत सारे दोस्त थे, कुछ दोस्त मैट्रिक के बाद में मेडिकल लाइन में गए, मैंने भी जाना चाहा लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। कुछ इंजीनियरिंग लाइन में गए, मैंने भी जाना चाहा सफलता नहीं मिली। एक दो लाइन का उसने और एग्जांपल दिया, जाना चाहा सफलता नहीं मिली। तो मैंने सोच लिया भगवान ने मेरे साथ ठीक नहीं किया और मेरे माता पिता ने मुझे भी जन्म देके ठीक नहीं किया, मैं ठीक नहीं हूं। और मैंने सोच लिया जीवन ऐसे ही बीतेगा। तो मैंने उनसे कहा कि आपके अपने आप से और ईश्वर से भी निराश होने का एक बहुत बड़ा कारण यही है कि आपने अपनी तुलना दूसरों से की है, अपने उन दोस्तों से की है जिनसे बचपन में आप साथ रहते थे। लेकिन आपने सोचा मैं डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, क्या बन जाऊं, लेकिन आप में वो विशेषता है जो आपके किसी दोस्त में नहीं है। मैंने पूछा था कि आप पत्र में क्या लिखते 40-45 पेज के पत्र में, बस निराशा की बातें लिखता हूं। तो मैंने कहा आप में वो विशेषता जो आपके किसी दोस्त में नहीं है, और उस विशेषता में क्या है, आप एक विषय पर गहराई से सोच सकते हैं, न सिर्फ सोच सकते हैं बल्कि लिख भी सकते हैं, उसे पेशेंस से लिख भी सकते हैं। एक टॉपिक पर इतना फ्लो से 40-45 पेज पेशेंस रखकर आप लिख सकते हैं, अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। सिर्फ ये ईश्वर की तरफ से मिली हुई एक कला है आपको, ये ईश्वर की तरफ से मिली हुई कला है आपको। अगर इस कला को, अगर इस कला को रचनात्मक रूप दें, रचनात्मक टॉपिक दें, तो आप देश के ही नहीं बल्कि विश्व के जाने माने साहित्यकार, कवि और लेखक बन सकते हैं। जो आपके दोस्त नहीं कर सके वो आप कर सकते हैं। याद रखें भाई और बहनों कि आप वंडरफुल हैं, अपने इनसाइड जाए। रोज डेली लाइफ में मेडिटेशन की प्रैक्टिस जरूर हो तो अपने आप के यूनिकनेस का पता चलेगा और अपने आप में बहुत खुशी और शक्ति को अनुभव करेंगे। वास्तव में वो आंतरिक मैं जिसका स्थान भृगुटी के बीच है। हम तो कहते हैं कितना भी बिजी हो कोई भी, दिनचर्या की शुरुआत कम से कम 5-7 मिनट मेडिटेशन से अवश्य करें, कोई बहुत बिजी हो तो, और स्टार्टिंग के बाद एंड भी मेडिटेशन से जरूर करें, और बीच बीच में दिन भर में समय निकालकर जस्ट 1 मिनट, मिनट में नहीं हो कोई अड्डा नहीं, आपके पास कुछ सेकंड तो है, वो सेकंड तो है जो गिरीश भाई जी ने कई तरह के सम्मान दिए। मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूं। लेकिन मैं माना मन के, मन में एक आंख है, उस मन की आंख से उस पिक्चर को देखते हुए मैं कहे, मैं माना मैं एक चैतन्य सितारे के समान, मैं एक चैतन्य शक्ति के समान हूं, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। कुछ सेकंड के लिए भी जितनी बार आपका दिन भर में रिवाइज कर सके, रिपीट कर सके अपने आप को, कुछ सेकंड के लिए आप देखेंगे आपका एनर्जी लेवल कई गुना ज्यादा बढ़ेगा। कितनी भी ज्यादा आपने मेंटल एनर्जी खर्च की हो किसी काम में, आप उसे फिर से स्टोर कर सकते हैं और हमेशा फ्रेश रहेंगे, अधिक से अधिक आंतरिक शक्तियों को आप बढ़ा पाएंगे। यह आंतरिक जगत, बाह्य जगत में तो कोई आपको डिस्टर्ब भी करेगा, लेकिन बाहरी प्रदूषण से, चाहे वो मानसिक प्रदूषण हो या आवाज ध्वनि प्रदूषण हो या वातावरण का प्रदूषण हो, हर प्रकार के प्रदूषण से अपने आप को मेडिटेशन के द्वारा आंतरिक जगत में जाने का अभ्यास करने से अंदर के उस प्राइवेट एरिया में आप प्रवेश कर सकते हैं जो आपका अपना है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। आपकी अपनी फीलिंग, आपके अपने इमोशंस, आपके अपने आइडियाज, जिसमें आप अधिक तक भ्रमण करके और उसे सही ढंग से उसका उपयोग करने की विशेषता जान सकते हैं, सीख सकते हैं। ये वास्तव में ओरिजिनल संस्कार है हमारे। कई बार हम समझ लेते हैं मैं फलाना जाति का, अरे मैं तो राजपूत हूं, राजपूत तो बहुत गर्म जोशी वाले होते हैं, मैं तो फलाना हूं, मैं ये हूं, लेकिन नहीं, कुछ संस्कार है जो हमें पिछले जन्म से हम लेके आए हैं, कुछ संस्कार है जो वर्तमान में जिस परिवार से हम बिलोंग करते हैं,
उस पारिवारिक माहौल से हमें मिले हैं, कुछ संस्कार सोसाइटी से मिले हैं, लेकिन कुछ हमारे ओरिजिनल संस्कार है। और वो ओरिजिनल संस्कार हमारे जो है सोल होने के नाते, वो एनर्जी होने के नाते, जो हमारा पहला संस्कार है वो है पीस, शांति। जैसे पानी का गुण होता है शीतलता, वैसे हमारा ओरिजिनल नेचर है, हमारी ओरिजिनल नेचर शांति। आप देखेंगे पानी को हम चूल्हे पर रखते हैं, धूप में रखते हैं, थोड़ी देर के लिए गर्म होता फिर ठंडा हो जाता। हम भी किसी परिस्थिति वश जानकारी की कमी होने के कारण या प्रैक्टिस की कमी होने के कारण अशांत होते, लेकिन फिर धीरे धीरे शांति की ओर आते हैं। तो शांति मेरी ओरिजिनल नेचर है। अगर मैं आत्मा हूं तो शांति मेरी ओरिजिनल नेचर है। दूसरी नेचर है प्रेम। इस शांति और प्रेम, खुशी और समझ, ज्ञान, ये सब हमारी ओरिजिनल नेचर है। मेडिटेशन हमें अपने ओरिजिनल नेचर की स्मृति दिलाता है। आज मनुष्य का मन व्यर्थ और नकारात्मक संकल्पों से इतना भरा हुआ है, और भरे हुई चीजों को खाली करने के दो तरीके होते हैं। किसी भी अगर पॉट में गंदे पानी से भरा हुआ पॉट है, तो या तो हम मेहनत करें उस पॉट को पूरा खाली करें और धुलाई करके नल के नीचे रखें, या दूसरा है कि हम मेहनत नहीं कर सकते तो ठीक है पूरा पॉट नल के नीचे रखते, नल में धीरे धीरे साफ पानी आएगा और गंदा निकलता जाएगा। राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस हम पॉजिटिव थिंकिंग पर आधारित है, पॉजिटिव थिंकिंग पर आधारित है। तो कभी हम ये नहीं सोचते मैं दुखी हूं, मैं अशांत हूं, मैं दुर्भाग्यशाली हूं, नहीं। ये क्यों समझते थे? क्योंकि अपने को शरीर समझते हैं, लेकिन हम अपने को याद दिलाते मेडिटेशन में, आई एम पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, ये मेरी ओरिजिनल नेचर है। खुशी मेरी अपनी विशेषता है, खुशी मेरा अपना खजाना है, मैं नॉलेजफुल हूं, मुझे अपने अंदर में जो विवेक में समझ है उस समझ के अनुसार कार्य करना है, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं शक्तिशाली हूं, आत्मा की शक्ति की लिमिट नहीं है, मैं शक्तिशाली हूं, मैं प्योर हूं। मुझे अपने लिए भी शुभ सोचना है, दूसरों के लिए भी शुभ सोचना है। ये हम अपने आप को याद दिलाते हैं, क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल नेचर है। और इस आंतरिक शक्तियों में अगर थोड़ी भी हमारी स्टेबिलिटी को बढ़ाते जाते हैं, हम देखते जैसा हम सोचते वैसे हमारी पॉसिबिलिटी बनती है। अगर हम दृढ़ संकल्प करें कि हमको अपने लिए सदा पॉजिटिव सोचना है, यही दृढ़ संकल्प कर ले, हमको सदा अपने लिए पॉजिटिव सोचना है, प्योर सोच थिंकिंग हो और पावरफुल हो, तो जीवन में आने वाली नकारात्मक बातें भी टल जाएगी, हर परिस्थिति आसान हो जाएगी, बड़े से बड़े विघ्न भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारे संकल्पों में इतनी शक्ति है। हम अपने को भी ब्लिस दे। आज लोग डिपेंड करते हैं दूसरों पर, गुड विशेष दो भाई मैं कुछ काम करने जा रहा हूं, लेकिन अपने आप को भी तो दे। कोई काम शुरू करते हैं तो कहते पता नहीं कर तो रहे हैं, देखें क्या होगा। इसका मतलब हम अपने आप को ही शुभ संकल्पों का सहयोग नहीं दे पा रहे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं, अपने आप को भी ब्लिस दे। तो राजयोग का मेडिटेशन हमारे अंदर ये कला को डेवलप करता है, अपने लिए सोचना अच्छा, दूसरों के लिए भी सोचना अच्छा सिखाता है। तो चले कुछ क्षण के लिए राजयोग का मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने के लिए, और लास्ट में भी हम अनाउंस करेंगे, अभी भी आपको कह दें, आज के इस पूरे दिन भर के प्रोग्राम के बाद में 7 दिन के लिए मेडिटेशन कैंप का आयोजन किया गया है खास आप सभी के लिए। शहर में वैसे तो 7 सेवा केंद्र है जहां पर इसकी क्लासेस चलती है, लेकिन ये विशेष कैंप का आयोजन 4 इनर सर्किल रोड बिष्टुपुर में हमारी नई ब्रांच खुली है। हमें बहुत खुशी हो रही है इस बात की। राजन भाई कमानी जी हम सभी के बीच बैठे, राजन भाई एक बार सामने तो आए, राजन भाई बहुत दिनों से हम लोग ऐसा सोचते थे कोई सही लोकेशन पर हमें दादी खाली।
सही बहुत अच्छे लोकेशन पर एक बड़ा स्थान मिले जहां से हम सभी इस आध्यात्मिक सेवा को अधिक से अधिक जोर शोर से कर सके। तो उन्होंने अपना स्थान हम बहनों को सेवा के लिए दिया है, सेवा के लिए निःशुल्क दिया है। तो आप सभी भी बहुत बहुत इन्हें थैंक्स दें, दिल से देते चलो दुआएं। ये दुआ बहुत बड़ा काम करती है, जीवन को निर्विघ्न बनाती है, सफलता दिलाती है, खुशियों से भरपूर करती है। परमात्मा दुआओं से अपने आप को भरपूर करना एक बहुत बड़ा यीशु बनता है। उस स्थान से अनेक आत्माओं को सुख शांति की राह मिलेगी, परमात्मा का संदेश मिलेगा और उनका शेयर आपको अवश्य जाएगा। होता सबके पास सब कुछ है, लेकिन अच्छे कार्य के लिए हाथ बहुत कम बढ़ते हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो निःशुल्क रूप से विश्व एक परिवार इसी भावना से सेवा करती, बाकी चलता तो सबके सहयोग से ही है। कोई पूछता भाई विदेश से आता है कि हेडक्वार्टर से आता है, चलता तो सबके सहयोग से ही है, भाई बहनों के सहयोग से। लेकिन फीस बोल के परिवार में कोई सुख नहीं होता, तो यहाँ भी कोई फीस नहीं रखे किसी के लिए। जो समझते ये बहुत अच्छा कार्य है तो अपने तन मन धन से सहयोग देते हैं। आदरणीय राजीव पुष्पा दादी जी उन्हें पुष्प गुच्छे से सम्मानित कर रही है। बहुत बहुत थैंक्स। अब हम चलें राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करने के लिए आंतरिक जगत की यात्रा की ओर।